जब तक कोई व्यक्ति संघर्ष की भट्टी में नहीं तपता है तब तक वो रिजल्ट नहीं देता। और मान्यवर साहब कांशीराम जी के बारे में जब कहानियाँ सुनते हैं कि उन्हें जो है कैडर देने जा रहे हैं, उससे पहले कहीं से उन्होंने सुन लिया कि जो जिन लोगों को वो कैडर देने वाले हैं उन लोगों की महिलाएं जो हैं उस कैडर के ख़िलाफ़ हैं, उस मीटिंग के ख़िलाफ़ हैं, और वो अपने पतियों को भी खाना नहीं देने वाली हैं। जब अपने पतियों को खाना नहीं देंगे तो कांशीराम जी को खाना कहाँ से देंगे? तो इसलिए कांशीराम जी देखते हैं कहाँ पर क्या है, वो किचन वगैरह जहाँ पे मीटिंग थी वहीं पे जाके देखते हैं, वहाँ सूखी रोटियाँ पड़ी हैं, तो एक डब्बा लेते हैं पानी का, पानी भरते हैं उसमें, जब वो सूखी रोटियाँ जो है जो बेस्ट रोटियाँ थी उसको जो है उसमें डाल देते हैं, आकर फिर कैड देना शुरू कर देते हैं। और कैडर देने के बाद वो जो है वापस जाते हैं वहाँ पर, जब तक रोटी गीली हो चुकी होती हैं, और उन रोटियों को जो है खाकर जो है वो अपनी भूख शांत करते हैं। उनको ऐसा करते हुए देखकर जो है वो लोग बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि इनको जो है हमने खाना नहीं दिया, व्यवस्था नहीं कर पाए, हमारी महिलाओं ने हमें नाराज़गी दी थी। तो कांशीराम जी कहते हैं कि तुम लोगों को मेरे भोजन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कांशीराम अपने भोजन की व्यवस्था खुद कर लेगा। ऐसी बातें सुनकर, कहानियाँ सुनकर मैं जो है एक पल भी ऐसे चाहता हूँ कि मतलब जो है कि जब भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, कल प्रोग्राम था मेरठ में, सैफ फिरोजपुर में, सुबह 11 बजे का प्रोग्राम था। राजू जी ने कहा कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि गर्मी की वजह से शाम का कर लो 3 बजे का, लेकिन हम लोग तैयार हो चुके थे, निकल चुके थे लगभग जो है, तो कहा आदरणीय राजू जी ने कि बीच में कहीं प्रोग्राम ले लो कोई हो। तो 2 साल पहले एक आदरणीय जी का फ़ोन आया था मेरठ से ही कि मुझे बहुत बनना है, नंबर सेव था, उनको फ़ोन कर दिया कि भाई आपके यहाँ अगर 2-4 लोग इकट्ठे हो जाएँ तो हम पहले वहाँ चले जाएँ। तो फिर वहाँ चले गए और वहाँ पर अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, कम से कम 15-20 लोग रहे होंगे और उनके बीच में एक मीटिंग हुई अच्छी जो है। तो इस तरह से हमारे पास जो साधन है, हम फ्यूल खर्च कर रहे हैं, गाड़ी खर्च हो रही है, हमारी एनर्जी भी खर्च हो रही है, तो उसका जो है मैक्सिमम बेनिफिट तो कैसे निकाल, तो भाषा बहुत सुनते हैं, तालियां बहुत बजाते हैं, और जब ताली बजती है तो मतलब यही है कि आपका अच्छी तरह से मनोरंजन हो गया है, बहुत मज़ा आया है। लेकिन इन भाषणों के बाद जो है फीडबैक क्या रहता है, परिणाम क्यों नहीं आ रहा है? तो परिणाम ना आने का कारण वही है कि हम लोग जो है डिसकनेक्टेड हैं, कनेक्टिविटी नहीं है, जो लोग आए थे वो कौन थे, उसकी जानकारी किसके पास है, वे लोग अब क्या कर रहे हैं, उस भाषण से उन्होंने क्या सीखा, क्या सबक लिया, कुछ पता नहीं है। इसीलिए एक सटीक प्रोग्राम की बहुत भारी आवश्यकता कोई है। व्यक्ति सच बोलना चाहता है, सच्ची बात करना चाहता है, तो उसको रोक दिया जाता है, क्योंकि वह सच उन राजनीतिक तत्वों, स्वार्थी तत्वों के खिलाफ है। आज़ादी से यह निश्चित हो सकेगा कि इस देश का जो भविष्य है वो सुरक्षित पढ़े लिखे लोगों के हाथ में जाए, क्योंकि बाबा साहब का मानना था कि अगर महिला समझदार हो गई, महिला पढ़ लिख गई, तो पूरा पड़ा जो परिवार है वो उसी दिशा में जा सकता है। आज भी हम देखते हैं कि जब हमारे घरों में कोई दूसरी विचारधारा की लड़की आ जाती है, अक्सर देखते हैं हम, तो वह अपना प्रभाव जमाने में कामयाब आती है, हम नहीं जमा पाते, अक्सर नहीं जमा पाते। और इसी प्रकार से जब हमारे विचारधारा की लड़की, जिसको हमने पाल पोस के बड़ा किया है, 20-22 साल तक उसको विचारधारा समझाने का काम किया, वो जब दूसरे घर में जाती है, गलती से कहीं ब्राह्मणवादी घर में चली गई, तो वह उन्हीं के रीति रिवाजों को फॉलो करती हुई नज़र आती है। तो कहने का मतलब यही है कि एक शिक्षित, या दूसरा शब्द होता है सुशिक्षित होना, सुसंस्कृत होना। तो हम जो भावना हमारी बच्चियों के भीतर होती है उसको नहीं डाल पाते हैं, इसके कारण जो है ये सब हमें देखने को मिलता है। बहुत कम मामले ऐसे आए हैं जहाँ पर हमारी लड़कियों ने जाकर उस परिवार को बदल दिया है। कारण स्पष्ट है कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग के अभाव में
समस्याओं का सामना कैसे करना है, परिस्थितियों को कैसे बदलना है, इसकी ट्रेनिंग नहीं होती है। तो बाबा साहब इतने महत्वपूर्ण बिल को पास कराना चाह रहे थे, संसद के भीतर लड़ रहे थे, और बाहर वही महिलाएं जिनकी आज़ादी का विधान अंदर पास कराने के लिए बाबा साहब लड़ रहे थे, वो महिलाएं बाहर हिंदू धर्म का हवाला देकर विरोध कर रही थीं। इसी प्रकार से हमारा अपना समाज, जिसको हम अम्बेडकरवादी समाज कहते हैं, जब बाबा साहेब उनको हिंदू धर्म छोड़ने के लिए कहते हैं तो वो उनके विरोध में खड़ा हो जाता है। जब बाबा साहेब बौद्ध धर्म अपनाने के लिए कहते हैं तो उनके विरोध में खड़ा हो जाता है। जब बाबा साहेब 22 प्रतिज्ञा देते हैं तो उनके विरोध में खड़ा हो जाता है। तो बाबा साहेब जो हैं समाज के डॉक्टर हैं, और एक डॉक्टर अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है, और जब एक डॉक्टर अपना काम पूरी ईमानदारी से करेगा तो निसंदेह वो जो है पहले उसकी जांच करेगा कि बीमारी क्या है, फिर जो बीमारी का इलाज है उसे खोजेगा, और जो इलाज है उस बीमार व्यक्ति को वह इलाज प्रदान करेगा, दवा देगा। लेकिन वो व्यक्ति यदि उस दवा को खाने से इनकार कर दे, उस इलाज से इनकार कर दे, तो फिर उस व्यक्ति का भला होना बड़ा मुश्किल है। तो आज भी इसी प्रकार से हमारे लाखों समुदाय जो संगठन हैं, अम्बेडकरवादी संगठन जो हैं, वो इस प्रकार की मनोवृत्ति वाले हैं। मैंने राजस्थान के सावर में जो बाबा साहेब ने कितनी कठिन परिस्थितियों में सामाजिक कार्य किया, और कभी भी सामाजिक कार्य को करते वक्त वे किसी से डरे नहीं, झुके नहीं, और जिस सत्य को उन्होंने जान लिया कि ये सही है, मैं सही हूँ, तो फिर उन्होंने कभी भी उससे जो है किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो संतराम बी ए जी ने जो भाषण मंगाया था, जब है भाषण जाति पाति तोड़ो मंडल, उसने जब ये भाषण पढ़ा तो उनकी चूलें हिल गईं। उनको लगने लगा कि तो सीधा सीधा जो है हिंदू धर्म पर प्रहार है। अब हिंदू धर्म पर प्रहार है तो वहाँ पर जो है भवन रचना लाजमी था। तो इसीलिए जो है बाबा साहेब को वहाँ बोलने से रोक दिया। अक्सर इस देश में ऐसा ही होता है कि जब भी कोई व्यक्ति सच बोलना चाहता है, सच्ची बात करना चाहता है, तो उसको रोक दिया जाता है, क्योंकि वह सच उन राजनीतिक तत्वों, स्वार्थी तत्वों के खिलाफ बैठता है। बहुत सारा सच जो हमें बोलना चाहिए, हम भी संकोच कर जाते हैं, डर जाते हैं, भय खा जाते हैं। लेकिन राजस्थान के सावर में रात के लगभग 10 बजे भाषण था वो जो, और मैंने पूरी ईमानदारी से बिल्कुल डरे बिना, हालांकि मुझे कई बार आयोजकों ने बीच बीच में आके पर्चियां दी, मैंने एक बार भी उन पर्चियों की तरफ देखा नहीं। पर्चियों में क्या लिखा है मुझे पता नहीं, लेकिन संकेत क्योंकि पहले ही मिल चुका था, और जो भय था आयोजकों के चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता था। आप लोगों ने, मैं से बहुत ने वो वीडियो देखा भी होगा। तो वहाँ पर जो है कि बाबा साहेब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, बड़ी ईमानदारी से बताने का प्रयास किया। और तमाम पुलिस बल भी वहाँ पर मौजूद था, सारी जाति के लोग मौजूद थे, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने कोई भी आपत्ति वहाँ पर नहीं जताई। जब हम पूरी ईमानदारी से कोई बात करेंगे, तथ्यों के आधार पर बात करेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि हमें कहीं पर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, यदि हम सही हैं तो। तो इसी प्रकार से जो है, इसीलिए आज ये मैंने पूछा कि भाई हमारे पास पूरा साहित्य तो नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जाति का बीज नाश उसी साहित्य का एक हिस्सा है, जो कि विभिन्न प्रकाशनों ने अपने अपने प्रकाशन के माध्यम से किताब छापी है, तो उसी का अध्ययन कर लिया जाए। तो जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना हमें यही संकेत दे रही है, यही बात बता रही है कि आपको जो है सबसे पहले तो सत्य को जानना है, और जब सत्य को जान जाओ, और अगर आपने समाज सेवा का जो बीड़ा है अपने कंधों पर उठा लिया है, उसको अपना कर्तव्य समझ लिया है, तो फिर उसके प्रचार प्रसार में आप लग जाइए, रुकिए मत, निरंतर चलते रहिए। इस कार्य को करने में तमाम मुसीबतें तो आएंगी ही, और जो लोग ये सोचें कि घर में बैठे बैठे एसी की हवा में, जब गर्मी पड़ रही हो तो एसी की हवा मिले, ठंड पड़ रही हो तो हीटर चालू हो,
बारिश पड़ रही हो तो मैं घर के अंदर ही रहूं ताकि बारिश में न छुप पाए, और हाथ में मोबाइल हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, और उस पर मैं लगातार बाबा साहेब का जो सच है वो बताता रहूं। तो ये क्रिया भी बहुत लंबे समय चल रही है, लोग सत्य को जान भी रहे हैं लेकिन सत्य के रूप बदल रहे हैं। सत्य को किस प्रकार से जान रहे हैं, किस प्रकार से जो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से हम समझ पा रहे हैं, जिस कारण से धम्मपद संघ का निर्माण हुआ कि भारत को बौद्धमय करना है, तो भारत को बौद्धमय करने का जो भार है वो बौद्धों के ऊपर है। जब हम बौद्धों की तरफ नज़र उठाकर देखते हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि बताइए भाई बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म के बारे में कुछ समझाइए, तो नीलबट्टा सन्नाटा दिखाई देता है। बहुत कम लोग दिखाई देते हैं जो बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानते हों। तो इसलिए जब हमें किसी चीज़ की जानकारी ही नहीं है, चाहे वो वैज्ञानिक धर्म हो, चाहे सबसे बड़ा सत्य हो, तार्किक हो, कुछ भी हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जब हमें उसकी जानकारी ही नहीं है तो उसका प्रचार प्रसार कैसे करेंगे। हिंदू लोग तो आएंगे नहीं उसका प्रचार करने के लिए, और जब हिंदुओं ने उसका प्रचार करने की कोशिश की तो उसका परिणाम ही आप लोगों ने देखा ही है कि किस प्रकार से आपके साहित्य को जो है क्या से क्या डाला। तो इसीलिए अगर बौद्ध लोग ये चाहते हैं कि भारत बौद्धमय हो, तो भारत को बौद्धमय करने का बीड़ा बौद्धों को अपने कंधों पर स्वयं उठाना पड़ेगा, किसी के भरोसे नहीं रहना होगा। और मैंने सैफपुर फिरोजपुर में जो है कल यही बात कही थी नीलम जी का भाषण होने के बाद जो है, कि भाई आप लोग ऐसे भाषण तो बहुत सुनते हैं, तालियां बहुत बजाते हैं, और जब ताली बजती है तो मतलब यही है कि आपका अच्छी तरह से मनोरंजन हो गया है, बहुत मज़ा आया है। लेकिन इन भाषणों के बाद जो है फीडबैक क्या रहता है, परिणाम क्यों नहीं आ रहा है? तो परिणाम ना आने का कारण वही है कि हम लोग जो है डिसकनेक्टेड हैं, कनेक्टिविटी नहीं है। जो लोग आए थे वो कौन थे, उसकी जानकारी किसके पास है, वे लोग अब क्या कर रहे हैं, उस भाषण से उन्होंने क्या सीखा, क्या सबक लिया, कुछ पता नहीं है। इसीलिए एक सटीक प्रोग्राम की बहुत भारी आवश्यकता है। जिस प्रकार से RSS को आप देखेंगे कि उसके विद्वान जाकर जो है लोगों को मंचों के माध्यम से नहीं जगाते हैं, उनके पास सटीक प्रोग्राम है, सारी योजना है, उनके पास सारा डाटा है, कितने लोग उनके सदस्य हैं, वो सदस्य क्या करते हैं, कितना टाइम संघ को देते हैं, किसके पास क्या साधन है, सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से जब तक हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं होंगी, इस प्रकार से एक योजना नहीं होगी, कनेक्टिविटी नहीं होगी, तब तक हम सोचें कि बड़े बड़े वक्ताओं को बुलाएं और उनकी बातें सुनकर समाज जागरूक हो जाए, संभव नहीं है। कुछ हद तक जो है जागरूकता ज़रूर आती है, लेकिन पूरी जागरूकता और उसमें संगठन को व्याप्त करना यानी संगठन को देखना वह असंभव हो जाता है। जब तक आप संगठन को नहीं देखेंगे या संगठन आपको दिखाई नहीं देगा, जब तक आपको आपकी शक्ति का एहसास नहीं होगा, और जब तक आपको आपकी शक्ति का एहसास नहीं होगा तो आप डरे डरे से काम करेंगे भयभीत होकर। मैं अभी कहीं पर भी खड़ा हूँ और वहाँ पर मैं 10 लोगों के बीच में जो कि मेरी विचारधारा के एंटी लोग हैं, वहाँ पर उनको मैं अपनी विचारधारा समझा रहा हूँ, सच से उनको जो अवगत करा रहा हूँ, और वे लोग जो है हमलावर हैं, हिंसक हैं, मेरे खिलाफ़ कोई भी कार्रवाई करते हैं, मुझे झूठी रिपोर्ट लगाकर झूठा केस दर्ज कराकर जेल में भेज दिया। लेकिन यदि मुझे पता है कि मेरे पीछे इतना बड़ा संगठन है तो फिर मुझे कहीं भी डरने की ज़रूरत नहीं होगी। मुझे पता हो कि मैं जेल तो चला गया हूँ लेकिन मेरे पीछे बाहर जो है लोग हैं जो मेरे को बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं उस जेल से भी नहीं डरूंगा, मेरे तमाम तरह के डर समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमने जो है ये जो भाषण है, भाषण तो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन भाषण के बाद या ये जो कैडर प्रोग्राम है इसके बाद संगठन कैसे तैयार किया जाए। अब कल सैफपुर फिरोजपुर में जो लोग थे सारे लोग बहुत प्रभावित हुए, मैडम से भी प्रभावित हुए, मुझसे प्रभावित हुए, लेकिन वो प्रभावित होना जो है
एक या दो दिन का, एक घंटे का, दो घंटे का, या एक या दो दिन का ही रहेगा। अगर उनको जोड़ा नहीं गया, उनको लगातार एक प्रोग्राम नहीं दिया गया, तो वह किसी भी काम का नहीं है। हमारा दिल्ली से मेरठ जाना, वहाँ पर किन्हीं भी परिस्थितियों में वो काम करना, सब बेकार हो जाएगा। तो इसलिए संगठन को जो है आपस में एक संगठनात्मक जो शक्ति है उसको पैदा करते रहना चाहिए। और अभी मैंने पीछे बात भी की थी आदरणीय संगनायिका जी आपसे भी कहा था कि जितने भी हमारे आचार्य हैं उन सब के पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जब भी वो मीटिंग ज्वाइन करें तो उससे पहले वो उन लोगों को फ़ोन करके बोल दें कि मीटिंग शुरू होने जा रही है, आप ज्वाइन कर लें। अभी तक शायद इसकी प्रैक्टिस हमने नहीं की है शुरू। तो मैं अनुरोध करता हूँ संघ से जो है कि इस तरह से जो है वो सोचता रहे कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। हमारे पास बहुत संसाधन नहीं है, लेकिन जितने भी संसाधन हैं मैं समझता हूँ काफ़ी हैं, पहले से बेहतर हैं। मैं कल देख रहा था कि आदरणीय राजू जी जब हम अपने घर में ले गए तो वहाँ पर जो है चावल थे, रोटी थी, बहुत सारी सलाद थी, शक्कर थी, बूरा था। मैं सोच रहा था कि ये लोग जो हैं शायद मिशनरी लोगों को निकम्मा बना रहे हैं, क्योंकि ये लोग इतनी आहोभगत करते हैं कि जो मिशनरी लोग हैं फिर वो उनके अंदर निकम्मापन या फिर ऐसी चाहत होने लग जाती है कि हम वहाँ जाएंगे तो ऐसा भोजन मिलेगा। हालांकि मैं बहुत साधुवाद करता हूँ आदरणीय राजू जी का, जो उन्होंने उस चीज़ को समझा कि हम लोग सुबह से भूखे होंगे, प्यासे होंगे, तो भोजन की व्यवस्था की, बहुत साधुवाद। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात जो है कि जब तक कोई व्यक्ति संघर्ष की भट्टी में नहीं तपता है तब तक वो रिजल्ट नहीं देता। और मान्यवर साहब कांसीराम जी के बारे में जब कहानियाँ सुनते हैं कि उन्हें जो है कैडर देने जा रहे हैं, उससे पहले कहीं से उन्होंने सुन लिया कि जो जिन लोगों को वो कैडर देने वाले हैं उन लोगों की महिलाएं जो हैं उस कैडर के ख़िलाफ़ हैं, उस मीटिंग के ख़िलाफ़ हैं, और वो अपने पतियों को भी खाना नहीं देने वाली हैं। जब अपने पतियों को खाना नहीं देंगे तो कांसीराम जी खाना कहाँ से देंगे? तो इसलिए कांसीराम जी देखते हैं कहाँ पर क्या है, वो किचन वगैरह जहाँ पे मीटिंग थी वहीं पे जाके देखते हैं, वहाँ सूखी रोटियाँ पड़ी हैं तो एक डब्बा लेते हैं, पानी का पानी भरते हैं उसमें, जब वो सूखी रोटियाँ जो है जो बेस्ट रोटियाँ थी उसको जो उसमें डाल देते हैं, आकर फिर कैडर देना शुरू कर देते हैं। और कैडर देने के बाद वो जो है वापस जाते हैं वहाँ पर जब तक रोटी गीली हो चुकी होती हैं, और उन रोटियों को जो है खाकर जो है वो अपनी भूख शांत करते हैं। उनको ऐसा करते हुए देखकर जो है वो लोग बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि इनको जो है हमने खाना नहीं दिया, व्यवस्था नहीं कर पाए, हमारी महिलाओं ने हमें नाराज़गी दी थी। तो कांसीराम जी कहते हैं कि तुम लोगों को मेरे भोजन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कांसीराम अपने भोजन की व्यवस्था खुद कर लेगा। ऐसी बातें सुनकर, कहानियाँ सुनकर मैं जो है एक पल भी ऐसे चाहता हूँ कि मतलब जो है कि जब भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, कल प्रोग्राम था मेरठ में सैफ फिरोजपुर में, सुबह 11 बजे का प्रोग्राम था, राजू जी ने कहा कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि गर्मी की वजह से शाम का कर लो 3 बजे का, लेकिन हम लोग तैयार हो चुके थे, निकल चुके थे लगभग जो है, तो कहा आदरणीय राजू जी ने कि बीच में कहीं प्रोग्राम ले लो कोई हो तो। तो 2 साल पहले एक आदरणीय जी का फ़ोन आया था मेरठ से ही कि मुझे बहुत बनना है, नंबर सेव था, उनको फ़ोन कर दिया कि भाई आपके यहाँ अगर 2-4 लोग इकट्ठे हो जाएँ तो हम पहले वहाँ चले जाएँ। तो फिर वहाँ चले गए और वहाँ पर अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, कम से कम 15-20 लोग रहे होंगे और उनके बीच में एक मीटिंग हुई अच्छी जो है। तो इस तरह से हमारे पास जो साधन है, हम फ्यूल खर्च कर रहे हैं, गाड़ी खर्च हो रही है, हमारी एनर्जी भी खर्च हो रही है, तो उसका जो है मैक्सिमम बेनिफिट कैसे निकाला जाए। ये बाबा साहेब का जो दर्द जो आप देख रहे हैं प्रस्तावना में, बहुत बड़ा दर्द है, छोटा दर्द नहीं है। बाबा साहेब जो है समाज सुधारना चाहते हैं, लेकिन समाज सुधारने के लिए कितने लोग हैं ये एक बड़ा समस्या है। एक आदमी अगर बहुत